इस वक्त हम खड़े हैं बसेठा में, मलकाने के ज़्यादा करीब है ये जगह, तो आप इसे मलकाना या बसेठा जो भी समझे। बहरहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का रुझान किस तरफ है। हमारे पास तीन सवाल है, आज मैं तीन सवाल लेकर के घूम रहा हूँ। मौजूदा विधायक से क्या उम्मीद थी जो फुलफिल नहीं हुई, आने वाले विधायक से क्या उम्मीद रखेंगे, और आप अपना वोट किसकी तरफ दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। रजी अहमद, रजी अहमद साहब, तीनों सवाल आप सुन लिए हैं, एक साथ जवाब दे दीजिए। 5 साल कबल जो भावनाथ झा कांग्रेस पार्टी के एमएलए जो काम करके गई हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं हम लोग के क्षेत्र में, हम लोग के पंचायत में भी, इसलिए हम लोग उन्हीं को सहायता करेंगे। भावना झा जी की तरफ। जी, बहरहाल यहाँ पे मुझे लगता है कि तीनों सवालों का जवाब मिल चुका है। आप अपना नाम बता दीजिए। शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन साहब, तीनों सवाल आप सुन चुके हैं, तो आप बता दीजिए क्या है इसका आंसर। देखिए, वोट के मामले में अभी खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा और वोटर अपने आप को खुल नहीं रहा है, जी। तो ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि किस पार्टी को क्या वोट जा रहा है, कितना जा रहा है, तो इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। आप अपने व्यक्तिगत तौर पे किसे? व्यक्तिगत हम लोग अभी कोई फैसला नहीं लिया। इन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया। यहाँ पे हमारे आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है जी। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका चचा, बताइए। अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम साहब, अब्दुल रहीम साहब, मेरे पास तीन सवाल हैं। पहला तो सवाल यह है कि आप अपने विधायक से क्या उम्मीद रखते थे और आने वाले विधायक से क्या उम्मीद रखेंगे और वोट किसे करेंगे। आप तीनों सवाल का एक साथ जवाब दे दीजिए। वोट तो हम लोग कांग्रेस को करेंगे। वोट कांग्रेस को करेंगे। बहरहाल आप का सारा उम्मीद लगता है फुलफिल हो चुका है। क्या नाम है आपका, आप नाम बताइए। नाम मोहम्मद तौकीर आलम हुआ। मोहम्मद तौकीर आलम, आप आपसे ये तीनों सवाल आपने जैसा सुना, तो आपको क्या लगता है किसे वोट करेंगे? यहाँ गठबंधन को करेंगे वोट। जी, हम बसेठा में खड़े हैं, मलकाने के साइड में, 32 बेनीपट्टी विधानसभा, और यहाँ का सैंपल आपने देखा। बहरहाल जनता का रुझान सामने आपके में रखा, ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।